आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे हमने आज आपको आमंत्रित किया है। और आज जो विषय है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से दिल्ली को आने वाले दिनों में भाजपा किस ओर ले जाना चाहती है। साथियों, ये जिस तरह से ये वीडियो में साफ तौर पर अपने आप को भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताते हुए परिचय दे रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए धन बल और जरूरत पड़ी तो गन खुली चुनौती देकर के ये कह रहे हैं कि हम जिता करके जाएंगे, ये क्या दर्शाता है कि भाजपा अपने युवा मोर्चा के नाम पर, मैं कहता हूं कि नफरती युवा मोर्चा को दिल्ली चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहा है। और ये प्रमाण इस बात का कि इतना बड़ा समूह अपने नेता और आकाओं के सामने खुले तौर पर चुनौती दे रहा है। जिस युवा मोर्चा के नाम पर ये शपथ लेते दिख रहे हैं और धन बल और गन की बात कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि भाजपा और इनका संघ संगठन किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर चुनावी विजय पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक तरफ ये वीडियो है, दूसरी तरफ कल भाजपा के कुछ स्टार प्रचारक के नाम पर कुछ नेताओं को सड़कों पर उतारा गया और ये स्टार प्रचारक के नाम पर इनमें से आधे वो लोग हैं जो दिल्ली को लगातार नफरत की आग में धकेलते रहे। कोई हाथ काटने की बात करता रहा है, कोई सीए एनआरसी के सेंसिटिव इशू पर बयानबाजी करता रहा है, चुनौती देता रहा है, कोई धार्मिक नफरत फैलाने का काम करता रहा है। और कल उसी तरह के इनके नफरती चिंटू दिल्ली की सड़कों पर प्रचार करते नजर आए। ये नफरती चिंटू बार बार दिल्ली के अंदर हाथ काटने तक की बात करते हैं और मुझे कोई नाम लेते हुए कोई गुरेज नहीं है, जिससे पूर्व में इनके कई ऐसे वक्ता हैं जिसमें गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति, अनुराग ठाकुर जो हाथ काटने की खुले मन से चुनौती देता है, और एक झूठा पात्रा या ये कहूं कि नफरती चिंटू लगातार इस दिल्ली और देश में जहर घोलने का काम करते हैं। तो एक तरफ ये नफरती चिंटू जमीन पर उतर करके प्रचार प्रसार में लगे हुए, दूसरे इनके नफरती युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा ने अपनी हार मान ली है और एमसीडी चुनाव में जीत पाने के लिए इन नफरती चिंटुओं का और इन नफरती युवा मोर्चा का प्रयोग करने की पूरी तैयारी कर ली। अन्यथा ऐसा नहीं है तो जिस एमसीडी में 15 साल ये लोग राज करके आए हैं, जिस संगठन को, जिस एमसीडी को उन्होंने बर्बाद तबाह कर दिया, जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया, उस एमसीडी के ऊपर वोट नहीं मांगते हैं, एमसीडी पे जवाब नहीं देते हैं। और क्योंकि इनकी हार सुनिश्चित है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और साथियों, दुख तो इस बात का है कि जहां एक तरफ भाजपा के चिंटू
भाजपा के ये नफरती युवा मोर्चा के ये गुंडे दिल्ली में उत्पात मचाने के लिए तैयार हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व की भांति फिर चुप्पी साध ली है। सीएनआरसी का विषय हो, दिल्ली दंगों का मसला हो, मरकज का विषय हो, मोहम्मद साद पे एफआईआर का मसला हो, उस पे अरविंद चुप हो जाते हैं, लेकिन आज फिर दिल्ली को जलाने की तैयारी हो रही है और अरविंद चुप हैं। ये मौन सहमति बताती है कि अरविंद पूरी तरह से संघ और भाजपा के साथ मिलकर के इस दिल्ली को आग में झोंकने की तैयारी में है। इसीलिए साथियों, एक खबर और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है आज। इस खबर में गुजरात के अंदर लगभग 25,000 इस तरह के लोग जो मतदाताओं को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है। गुजरात में भी चुनाव है, सेम तारीखों पे चुनाव है, 25,000 लोगों को वहां डिटेन किया गया है, और इससे पूर्व यूपी में भी किया गया था, लगभग 35,000 यूपी में भी इस तरह के लोगों को डिटेन किया गया था। अब जिस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, शपथ ली जा रही है, गन की बात की जा रही है, सड़क पर उतर करके दूर दूर के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के यहां शांति भंग करना चाहते हैं, तो मेरा इलेक्शन आयोग से ये अनुरोध रहेगा, दिल्ली पुलिस से अनुरोध रहेगा कि कब इन लोगों को डिटेन किया जाएगा, यह भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। और ये मेरी मांग है, दिल्ली के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए, इस तरह के लोगों को तुरंत कानून के दायरे में लाकर के एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिससे भयमुक्त चुनाव दिल्ली में हो सके। दो दिन पूर्व हमने देखा एक टीवी डिबेट के दौरान जिस तरह से एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को पीटता नजर आ रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये चुनाव जो एमसीडी पे बात होनी चाहिए, प्रदूषण पे बात होनी चाहिए, प्रदूषित दिल्ली पे बात होनी चाहिए, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट आपने बना दिया, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े जो कूड़े के कुतुब मीनार है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर बात ना होकर के आज अपने इन चिंटू नफरती चिंटू जो प्रचारक है इनको उतारा जा रहा है और विषय को भटकाया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ ना केवल इलेक्शन आयोग में कंप्लेंट करेगी, दिल्ली पुलिस से भी आह्वान करेगी कि इनको तुरंत यहां दिल्ली आगमन पर इनकी एंट्री बैन की जाए, और जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं इस तरह के, उन लोगों को दिल्ली से बाहर किया जाए। इसीलिए आज हमने ये मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद।